नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बातचीत करेंगे वीर कुंवर सिंह पाठ के पाठ पठन की। तो शुरू करते हैं बच्चों। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया, वीर कुंवर सिंह जी उनमें से एक थे। उनका जन्म सन 1782 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह जी की सही देखभाल नहीं हो पाई। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। पढ़ने लिखने से ज्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो बच्चों, ये देख सकते हैं, ये कुंवर सिंह जी का चित्र है और ये बेगम हजरत महल, ये सब क्रांतिकारी हैं। ठीक है। तो बच्चों, सन 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लोगों में उनके विरुद्ध गहरा असंतोष था। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का बुरा हाल था। भारतीयों के साथ भेदभाव भी बढ़ता जा रहा था और बढ़ता भी जा रहा। इन कारणों से देशव्यापी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो यही समय था जब कुंवर सिंह जी ने भी ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नामक सिद्ध संत रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से कुंवर सिंह जी के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। सन 1845 से 1846 तक वे गुप्त रूप से सक्रिय विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को गुप्त बैठकों के लिए चुना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह जी की जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई को कुंवर सिंह जी ने आरा पर विजय प्राप्त की। वृद्ध होते हुए भी, मतलब बूढ़े होते हुए भी, वे युद्ध के लिए तत्पर थे। इस प्रकार आरा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो बच्चों, जैसे आप में अनुशासन की कमी है, ठीक है, तो उसी प्रकार सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों में एकता की कमी और आधुनिक शस्त्रों के अभाव के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। पतन मतलब वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। कुंवर सिंह जी जैसे बड़े योद्धा हुए हमारे देश में, बस हमारे देश में जो गद्दारी थी वो ले डूबती थी। वे आगे की योजना बनाने में लगे रहे। वे सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। पूरे उत्तर भारत में उनकी कीर्ति फैल गई, मतलब प्रसिद्धि। उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दी, मतलब वो जीतते चले जा रहे थे। तो 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों, आजमगढ़ पर अधिकार करने के बाद 23 अप्रैल 1858 को आजादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। वापसी उसी दिन विजय उत्सव मनाते लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया, मतलब विजय प्राप्त करके गए। तो एक बार वीर कुंवर सिंह जी सेना सहित गंगा पार कर रहे थे, तो अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। ठीक है। तो फलस्वरूप अंग्रेजी सेनापति डगलस सेना सहित बलिया के गंगा तट पर उनकी राह देखने लगे। उन्हें चकमा देते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में ही कुंवर सिंह जी ने अपनी सेना नाव से गंगा पार करा दी। डगलस को खबर मिली तो वह भागा भागा वहां आया। उस समय अंतिम नाव पर कुंवर सिंह जी स्वयं गंगा पार कर रहे थे। डगलस ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी। एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई निकल गई। उन्होंने उसी क्षण तलवार से अपना बाया हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। ऐसे योद्धा बहुत कम होते हैं बच्चों। वीर कुंवर सिंह जी ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य भी किए, लोगों का भी सोचा उन्होंने। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। वे आजीवन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। वो समय ऐसा था बच्चों जब मतलब युद्ध करना, विद्रोह करना अनिवार्य था अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी इन्होंने लोगों का सोचा। तो उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। जलपूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे एक उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब सेंसिटिव थे। उनकी लोकप्रियता लोकगीतों के रूप में आज भी बिहार के कई लोक भाषाओं में गाई जाती है। ठीक है बच्चों।
ये पाठ पठन था, किसी तरह की कोई शंका दुविधा हो तो बताइएगा जरूर। धन्यवाद।